दुष्कर्म के लगातार वारदात पूरे देश में हो रहे हैं। उन्नाव सहित हैदराबाद व पूरे देश में दुष्कर्म की घटनाओं ने देश के जनमानस को झकझोर दिया है। कई जगहों पर रेप के आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बलात्कारियों का दूर दूर तक अभी तक अतापता नहीं दिखाई दे रहा। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में लगभग 3 दिन पूर्व तेलियाबाग की लापता युवती चौबेपुर में पाई गई। लापता युवती के शव को पाने के बाद परिजनों ने चक्का जाम कर दिया, पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने दुष्कर्म कर हत्या करने की बात कही। बुधवार को लापता युवती का चौबेपुर क्षेत्र में मिले युवती के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों एवं इलाकाई लोगों ने बलात्कार के बाद हत्या की आशंका का आरोप लगाया। मलदैया पर किया चक्का जाम, पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। चेतगंज पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वाराणसी से हमारे संवाददाता कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। गीता देवी, प्रजापति। हमारे बेटी का ये घटना हुआ है। 11 तारीख को गई कोचिंग पढ़ाने, हमेशा जाती थी। उस दिन टाइम पे नहीं आई तो घर वाले लोग खोजने लगे, मोबाइल से फ़ोन किए, स्विच ऑफ हो गया हमारे बेटी को। और नाना प्रकार का चलान आ जाता है गाड़ी से, ठीक है। और ये हमारी बेटी की हादसा हुई है तो वो कोई सुनवाई नहीं हो रही। हादसा से क्या मतलब है? क्यों, कैमरा में सब दिखा होता है। हमारी लड़की जो गायब हुई है तो क्यों नहीं, यही मरी माता के मंदिर पे तिरमोहन जी। कैमरा खराब है, पुलिस क्यों बैठा वहाँ पे? तो हम लोग पेपर पढ़े, पेपर में लड़की को फोटो देखे तब पता चला है। और ना ही चेतगंज वाले सोचना दिए और ना ही सिगरा वाले। तो पुलिस किस लिए? पहले गायब हुई थी वो सोमवार 11 तारीख को, बुधवार को गायब हुई है। सब लोग गए थे, हर कोई सुनवाई नहीं हुआ। चेतगंज थाना, सिगरा थाना, कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो रहा है? यही मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो यही यही पढ़ाई हो रहा है, यही कांड हो रहा है तो पढ़ाई हो रहा है। और जो बढ़ रही है बेटियां तो वो मर के जा रही हैं, तो वही बढ़ रही हैं। हमको इंसाफ चाहिए। हाँ, हमको हत्यारा चाहिए। कि भैया वो जाती थी हमेशा कोचिंग पढ़ाने के लिए, ठीक है। वो हमेशा आती थी जाती थी हमेशा, ठीक है। वो शाम के 5 बजे लगभग, 5:15 बजे लगभग वो मतलब घर नहीं आई। फिर उनके परिवार के लोग मतलब ढूंढना स्टार्ट किए हैं, खोजने लगे हैं कहाँ गई कहाँ नहीं गई, ठीक है भैया। फिर थाने में चेतगंज थाने में गए। FIR नहीं लिखे हैं कि जाइए कल आइएगा। अरे कल का आइएगा, हमारी बेटी है। सिगरा थाने में गए, वहाँ गए, यहाँ गए, बताइए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। घटना ये है पहले की 11 तारीख का, 11 दिसंबर का। दोनों थाने के विवाद में कुछ कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई हुई होती तो आज हमारी बहन हमारी घर होती, बच जाती। आज पेपर से मालूम हुआ कि कल का वो उसका डेड बॉडी आया है दीनदयाल में, मगर आज मालूम पड़ा पेपर में कि हाँ, जब मालूम पड़ा कि हाँ कि डेड बॉडी मतलब कि फलाएं जगह से वो चौबेपुर में कि एक लड़की का शव मिला है, बॉडी मिला है, हाँ? किशोरी बालिका का, ठीक है। फिर पता किया गया कि हाँ इस फलाने कपड़े का मतलब ये है। तो मालूम किया गया तो मालूम पड़ा, फिर हमने डेड बॉडी देखने गए दीनदयाल में तो मालूम पड़ा कि हाँ वो लड़की है। हमको इंसाफ चाहिए। घटना क्या हुआ तुमके साथ? घटना क्या बताएं आपको, हमको इंसाफ चाहिए। हत्या हुआ है, उसका हत्या किया गया है, हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ, हमको इंसाफ चाहिए।